वेलकम परिवार, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है हमारी कैंपिंग से। अगर कल का वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके चेक कर लीजिए। उसमें मैंने आपको बताया हम कैसे यहाँ तक पहुँचे। हम हैं शिवपुरी में और यहाँ पे हमारा कैंप है, नीचे के साइड में कैंप है और अब हम जाएंगे कैंप में। चलिए चलते हैं, हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप कैंपिंग करने आ रहे हैं तो किस तरीके से आपको ड्राइव करनी है, तो अगर नहीं देखा है जाके चेक कर लीजिए। अब हम कैंप में पहुंच चुके हैं तो अब चलिए कैंप की बातें करेंगे और बताएंगे कि हमें ये कैंप कैसे मिला और कितने में मिला, हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। चलिए नीचे चलते हैं, फिर बताती हूँ आपको। हम बहुत ज़्यादा इसलिए थके थे क्योंकि हम पूरा राम झूला और जानकी झूला घूम कर आ रहे हैं और हमारे आज के 17,000 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके थे। पहाड़ों के बीच में है ये कैंप, ये देखिए स्विमिंग पूल है यहाँ पर। और हम फैमिली वाले एरिया में रुके हैं। इससे नीचे बैचलर वाला है, बैचलर इससे और एक स्टेप नीचे है बैचलर वाला, और उससे भी नीचे है जिसको नदी के पास कैंपिंग करनी है, लेकिन नदी है ही नहीं वहाँ, नदी पूरी सूखी हुई थी। सबसे पहले पहुंचते ही हमें नाश्ता मिला, पकोड़े और साथ में चाय। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चले गए देखने के लिए कि क्या है यहाँ पर। तो नीचे था स्विमिंग पूल और एक साइड में स्टेज टाइप का बना हुआ था कि आपको अगर डांस वांस करना है, यहाँ पे लाउड म्यूज़िक बज रहा था जिसको डांस करना है या फिर कुछ खेलना है, बच्चों को खेलना है। देखिए ये सब एक्टिविटीज़ हैं, अगर आपको करना है तो ये कर सकते हैं, अदरवाइज़ वहाँ पे लोग डांस कर रहे थे। तो अभी रात का समय है, हम थोड़ा लेट आए थे, हम शाम में आए थे, वरना लोग सुबह से ही कैंपिंग के लिए आ जाते हैं। अब हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए। और मैं आपको बता दूँ, कैंप का खाना बहुत अच्छा था, बहुत स्वादिष्ट था, चाहे डिनर हो चाहे ब्रेकफास्ट हो। मॉर्निंग में हमने ब्रेकफास्ट किया था, वो भी बहुत टेस्टी था। तो ये जो कैंप था ये शिवपुरी में था, ऋषिकेश में। अगर आपको कैंपिंग करनी है तो शिवपुरी की साइड में जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कैंपिंग वाले। तो अपने हिसाब से जो आपको रीज़नेबल लगे और अच्छा कैंप लगे वो देख लीजिएगा। एक साथ बहुत सारी शॉप्स होंगी जो कैंपिंग कराते हैं, साथ ही साथ एक्टिविटीज़ कराते हैं। मान लीजिए आपको रिवर राफ्टिंग करनी है या फिर बंजी जंपिंग करनी या और भी कोई एक्टिविटी, तो वो सारी एक्टिविटीज़ भी कराते हैं। तो मैं यहाँ नहीं हूँ। तो कैंप का जो ब्रेकफास्ट है, इसमें मैंने सारी आपको क्या क्या है, पोहा है, वाकई में टेस्टी है। पोहा बहुत कम लोग अच्छा बनाते हैं, यहाँ पोहा अच्छा है, डिनर भी अच्छा था, ब्रेकफास्ट भी अच्छा था। और साथ में है पराठे, आलू भजे भी काफ़ी सॉफ्ट लग रहे थे। ये है व्यू, रात को नहीं दिखा पाई थी, ये रहा पहाड़, ये है हमारा टेंट। ये देखिए सामने पहाड़ है, उधर से गाड़ी भी जा रही है। भाई देखिए पहाड़ों से गिरा हुआ ये कैंप है, नीचे भी कैंप है और वो है नदी जो कि सूख गई है वहां से। देखिए पहाड़ों से घिरा हुआ टेंट है, वैसे अच्छा ऑप्शन है, अगर आप इधर आते हैं तो आ सकते हैं। और देखिए यहाँ पे पूल वगैरह है जिससे लोगों ने काफ़ी इस्तेमाल किया, कल यहाँ पे डांस वांस कर रहे थे। ऊपर वाला जो है वो फैमिली वाला था, नीचे बॉयज़ का था, और उससे नीचे शायद नदी के पास वाला जो कैंप था उसमें वॉशरूम वगैरह नहीं था। बट कोई ऑप्शन नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उधर नदी तो सूखी हुई है, तो इट्स बेटर कि ऊपर वाला ही लिया जाए, उसमें गर्मी होगी, वहाँ काम चल रहा है। देखिए नदी सूख गई, उधर काम वाम चल रहा है, पर ये व्यू बहुत प्यारा है।
हम लोग रेडी होके खड़े हो गए, हमने सोचा थोड़ा बहुत वीडियो बना ले, क्योंकि अब हम निकल रहे हैं यहाँ से कहाँ के लिए, हम जा रहे हैं सीक्रेट वाटरफॉल, और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, आपको देखकर मज़ा आ जाएगा। तो चलिए इस जगह को हम करते हैं बाय बाय और हेलो बोलते हैं सीक्रेट वाटरफॉल को। दोस्तों हम लोग निकल गए हैं सीक्रेट वाटरफॉल के लिए, और कैंप का जो रास्ता था वो काफी खतरनाक था, तो जिसको अच्छे से गाड़ी नहीं चलानी आती तो प्लीज मत चलाइएगा, किसी और से चलवा लेना, क्योंकि वहाँ से सीधा खाई है, खाई के नीचे ही आप पहुंचेंगे, इतना भयंकर रास्ता है। तो पर कैंप अच्छा था और हमने लिया था 1200 पर पर्सन में, जिसमें खाना इंक्लूडेड था, शाम का नाश्ता, रात का खाना, सुबह का नाश्ता। तो 1200 में हमने किया था, लेकिन वो फोन पे बात कर रहे थे तो 1500-1800 भी बता रहे थे, तो अपने हिसाब से नेगोशिएट कर लेना। हमारा आधा दिन तो वैसे चला गया। अच्छा लंच भी देते हैं आप? ब्रेकफास्ट लंच और डिनर देते हैं शायद। खैर पंकज ने अपने लिए ये वाला टी शर्ट लिया है ऋषिकेश का, मैं तुम्हें यही बोल रही थी, ये हर जगह है, पता नहीं कैसे सिर्फ शिवपुरी इतना फेमस है, वहाँ नहीं लगाया है, नहीं तो ये हर जगह लगा, इसलिए मैं पहली बार जब आई थी ना, मेरे को पहली बार तो चलानी भी नहीं आती थी अच्छी से, सोचो सिर्फ मधु थी मेरे साथ, थोड़ा थोड़ा करके हम चले गए, मैं पूरे टाइम गाड़ी इधर चला रही थी पहाड़ की साइड, तब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कि मैं चला रही थी। कैम्प के साइड ये नहीं था, तो यहाँ पे आपको मैं फिर से बोलना चाहूँगी, लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था कि अगर आपको गाड़ी बहुत अच्छे से चलानी नहीं आती है तो आप कैंप साइड में लेकर मत जाइएगा, या फिर पहाड़ के ऊपर वाले एरिया में मत लेकर जाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, रोड और छोटी होती जाती है, और साइड में अगर रेलिंग ना हो तो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो यहाँ पर रास्तों में ये लिखा हुआ था कि पत्थर कभी भी गिर सकता है, तो इसीलिए आपको बहुत ध्यान से चलाना है, बहुत ही आपको फोकस रखना पड़ेगा जब भी आप चलाएंगे गाड़ी यहाँ पर। बाकी मैं आपको बोल ही चुकी हूँ कि अगर आप आते हैं तो बहुत अच्छी गाड़ी चलानी आती है तो पहाड़ों पे चलाइए, वरना किसी को साथ में लेकर आइए। शिवपुरी जो था वो बहुत ही सुंदर था, पहाड़ों से घिरा हुआ था, तो जो हम कैंपिंग करने गए थे वो काफ़ी ऊंचाई पर था, और रास्ते यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत मिलेंगे। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाके चेक कर लीजिए, मैंने बताया आपको आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं ऋषिकेश में। और इससे पहले हम सीक्रेट वाटरफॉल पहुँचे, उससे पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी डेली वीडियोज़ आती हैं, और 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ये बहुत ही दुखद बात है दोस्तों, प्लीज़ ऐसा मत करिए, इस तरीके से मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाती है, जब 80% लोग देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं पिछले कई सालों से इस पे वीडियो डाल रही हूँ, जो 80% लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए मेरा चैनल ग्रो ही नहीं हो रहा है, 2000 पे ही अटका हुआ है, 2300 कुछ है, और इतने समय से मेहनत करने के बाद मैं मेरे चैनल पे जो आपको वीडियोस दिख रही होंगी वो शॉर्ट वीडियो नहीं है, जो टोटल वीडियो हैं वो नॉर्मल व्लॉग हैं, ऑलमोस्ट 1000 वीडियोस होने वाली है मेरी, तो आप समझ सकते हैं मैंने इस पर कितना टाइम इन्वेस्ट किया है, मनी तो इन्वेस्ट किया ही किया है, क्योंकि इस पर मैंने बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉग ऐड किए हैं, आप जाके मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आजकल तो लोग शॉर्ट्स बनाकर ही उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हो जाते हैं। खैर समय समय की बात है, हर किसी का वक्त आता है। अभी फ़िलहाल हम पहुंचने वाले हैं सीक्रेट वाटरफॉल,
और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे रास्ते बहुत ज़्यादा तंग होते जाएंगे, और जो मैंने आपको गाड़ी वाली बात बोली थी वो यहाँ पर आपको याद आ जाएगी कि गाड़ी आप खुद से नहीं चला सकते। यहाँ पे पार्किंग का भी इशू रहेगा, जितना ऊंचाई पर जाएंगे पार्किंग करने में बहुत ही हालत ख़राब होने वाली है। पहाड़ों पे गाड़ी चलाने की आदत नहीं है तो मैं आपको बोलूँगी कि आप पार्किंग ना सबसे पहले नीचे ही कर दीजिए जब आप सीक्रेट वाटरफॉल की तरफ जाएंगे, क्योंकि ऊपर पार्किंग करने में बहुत हालत ख़राब होगी, बहुत पतली पतली रोड होगी, कच्ची रोड होगी, और सीक्रेट वाटरफॉल जाने के लिए आपको पैदल बहुत चलना पड़ेगा, ये भी याद रखिएगा। हम हैं अभी पहले पड़ाव पर,